हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स. फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड इम्यूनिटी के बारे में. मैंने आज ये टॉपिक इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से जो इम्यूनिटी बूस्टिंग या इम्यूनिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है और हर कोई आजकल अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए इसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है. और ऐसे समय पर जो आम आदमी है या फिर जो कॉमन मैन है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं. और काफ़ी बार सभी लोगों को ये कहीं ना कहीं लगता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर हम ले लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी या फिर काफ़ी बूस्टेड अप रहेगी और हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी. और इसी एक मिथ को या इसी एक गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में सो कॉल्ड, जिनका बहुत बड़ा नाम है या बहुत ज़्यादा फैड है ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, और जो ये दावा करता है कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने के बाद लोग फिट एंड फाइन रहेंगे. तो इसमें पहले नंबर पे जो आता है वो है प्रोटीन पाउडर. देन दूसरे नंबर पे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी एंड कैल्शियम के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. उसके बाद जो मैं बताऊंगी वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स के कैप्सूल्स के बारे में. और सबसे लास्ट में जो आज मैं बताने वाली हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी मार्केट में चल रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो सो कॉल्ड इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा दावा करते हैं उनके बारे में. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें. सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि आजकल हम जो एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे देखते हैं उनका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. और इसीलिए जो प्रोटीन पाउडर के बारे में जो सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट्स में बताते हैं कि सो कॉल्ड मसल हेल्थ को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, या फिर जो फैक्ट वो लोग बताते हैं कि आपका जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको या आपके बॉडी को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रोज़, तो ये सारे फैट्स बता के कहीं ना कहीं ये हमें एक कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि क्यों हमें प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. लेकिन काफ़ी लोग ये एडवर्टाइजमेंट्स देख के जो मेन मैसेज है उस मैसेज को भूल जाते हैं और इन सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो प्रोटीन पाउडर है उसके पीछे दौड़ने लगते हैं. और लोग उसे सुबह शाम जो जैसे जैसे उस पैकेट पे लिखा होता है उस तरीके से प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट्स भी है. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन पाउडर जो एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है तो ये एक बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को डेली होती है और उतने ग्राम प्रोटीन्स लेना ज़रूरी भी है बॉडी के लिए. लेकिन जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है कि उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की जो है वो अगर आप एक सिंपल इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में इजीली फुलफिल हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ में दिन में एक बार कम से कम प्रोटीन रिच दाल, प्रोटीन रिच सब्ज़ी या फिर दाल का इस्तेमाल या फिर पल्सेस का इस्तेमाल करके या स्प्राउट्स का इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनती ज़रूर है दिन में एक बार जो कि प्रोटीन रिच होती है. तो सबसे पहले हमें ये एक मिसकंसेप्शन अपने अंदर का दूर करना है कि हम प्रोटीन्स जितने चाहिए उतने क्वांटिटी में नहीं ले रहे. हाँ, अगर आपके घर में उतने क्वांटिटी में या फिर उतने उस क्वालिटी के हिसाब से अगर प्रोटीन्स, पल्सेस, दाल ये सब यूज़ नहीं हो रहा या फिर पनीर ये सब चीज़ें अगर यूज़ नहीं हो रही तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप कैसे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके आपके डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रोटीन पाउडर लेनी चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका उल्टा असर हो जाता है कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं और फिट एंड फाइन रहने के जगह पे आपका वेट गेन शुरू हो जाता है या फिर मसल ओवर मसल बिल्डअप शुरू हो जाता है और बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक की वजह से वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक की वजह से वो होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं
और यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ने से आपके बॉडी में गॉल स्टोन्स होना या फिर किडनी स्टोन्स होना या फिर आपके डाइजेशन पे कोई असर पड़ना या फिर आपके किडनी के फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन हो जाती है अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक लेते हैं। और प्लस में एक बात बता दूँ कि प्रोटीन पाउडर का जो इंटेक है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि जो लोग फिजिकली वर्कआउट जिनका सबसे ज़्यादा होता है। अब फिजिकली वर्कआउट किन लोगों का ज़्यादा होता है, तो या तो अगर आप खुद फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा विगरस कर रहे हैं तो एक तो उन लोगों का फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता है, या फिर सेकेंड चीज़ जो है जो लेबरर्स होते हैं जिन्हें एक जगह पर बैठ के काम नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन का इंटेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मसल के वेयर एंड टेयर को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन होता यह है कि हम आजकल जो सो कॉल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल या एक जगह पे बैठ के काम करने का जो तरीका है वो फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करते वक्त हम अपना रेगुलर डाइट भी लेते हैं और उसी के साथ प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग लैंड अप होते हैं या तो इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स में जहाँ पे कोई ना कोई स्टोन्स की तकलीफ़ है, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन की तकलीफ़ें होने लगती है, या फिर किडनी पे असर होने लगता है, या फिर कहीं ना कहीं हमें जो जॉइंट पेन्स है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट पेन्स जो होते हैं, जो गाउट जिसे हम कहते हैं, तो ये तकलीफ भी शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलूँगी नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा फैड में है, जो है विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे भी यही एक वार्निंग है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को आपके फिजिशियन ने या आपके डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो आप लोगों को ये सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, स्पेशली जो आपकी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन या फिर आपके ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए जो ऑर्गन्स काम करते हैं, इनके ऊपर एक वर्कलोड की तरह काम करते हैं, और ये एक्सेसिव विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आप आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए या आपके हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप लैंड अप होते हैं सिवियर किडनी प्रॉब्लम्स में। और इसीलिए मेरा यही सजेशन है कि जब तक आपको कहा ना जाए तब तक, या फिर सजेस्ट ना किया जाए आपके डॉक्टर की तरफ से, आपके वो भी आपके ब्लड टेस्ट करने के बाद, तो तब तक आपको विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हमें जो सन रेज है या फिर जो धूप है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलती है, अगर हम जब सुबह सुबह 11:30 या 12 बजे से पहले अगर हम बाहर जाते हैं सुबह, तो एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल रहा होता है, तो इसीलिए हमें एक्सेसिव विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस मोर ओवर लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के बाद जब उनका एक्सेस बॉडी में हो जाता है तो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन्स करना या फिर जो उंगलियों में दर्द करना या फिर पैरों में दर्द करना, ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं इसीलिए उन्हें खुद ब खुद ये समझ जाते हैं लोग कि उन्हें कैल्शियम की कमी है, और वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और एट द एंड ये सब प्रॉब्लम्स और एक्सेसिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की वजह से और एक अलग डिसीज में लैंड अप हो जाते हैं। अब जो थर्ड चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल्स के बारे में। तो ये सो कॉल्ड एक थर्ड नंबर का फैड है जो पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर सभी लोगों में है कि उन्हें ये एक गलत फहमी है कि मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स के कैप्सूल्स अगर वो लेंगे तो उनके बॉडी में से सभी डेफिशिएंसीज तुरंत गायब हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि काफ़ी बार ये देखने में आया है कि जो लोग
सो कॉल्ड मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल के डोसेस अपने मन से लेते हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा डिफिशेंसी नज़र आती है और सबसे ज़्यादा बीमारियां नज़र आती है एज कम्पेयर टू जो लोग सिंपल होम कुक्ड फूड, सिंपल घर का खाना खाते हैं और कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेते। मोर ओवर एक चीज़ और भी मेरे नज़र में आई है कि जो लोग ये सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड आर्टिफिशियली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं वो जो लेते हैं, तो उन लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां होने का जो प्रपोर्शन या इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो लोग नहीं लेते। ये एक रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब जो सबसे लास्ट में मैं बताने वाली थी, जो सो कॉल्ड ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का, वो है कि अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स या मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा में या फिर नेचुरोपैथी में सजेस्ट करते हैं, तो उन सब्सटेंसेस से नेचुरल सप्लीमेंट्स उनसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं और उनका बहुत बड़ा ब्रांड मार्केटिंग फिलहाल के इस दुनिया में चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ उन तुलसी के टैबलेट्स की, मैं बात कर रही हूँ उन टर्मरिक यानी कि उन हल्दी की गोलियों के बारे में, और ऐसे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि बने होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। जिसमें सो कॉल्ड फैड सबसे ज़्यादा है वो है तुलसी के टैबलेट्स का या हल्दी के टैबलेट्स का या मुलेठी के टैबलेट्स का या फिर नीम के पत्तों से बने हुए होते हैं, ऐसा वो लोग जो ब्रांड्स होते हैं वो बताते हैं। प्लस काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री टैबलेट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं सी वीड्स से या फिर जो एल्गे होते हैं या फिर जो सो कॉल्ड अंडर वाटर के प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स से बने हुए होते हैं, और लोग ये सो कॉल्ड फैड समझ के लेते हैं कि वो जो प्लांट्स अंडर वाटर मिलते हैं या फिर जो ये नीम तुलसी पत्ते के बने हुए टैबलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए और ये टैबलेट्स खाने से मेरी इम्यूनिटी तुरंत ही बढ़ जाएगी, या फिर जो आंवला कैंडीज जो होते हैं या फिर जो आंवला से बने हुए हैं टैबलेट्स, इनका जो मार्केटिंग किया जाता है, तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बढ़ने की जगह पे घट रही है, क्योंकि जो हम इन सभी चीज़ों का अगर हम नेचुरली हमारे खाने में इस्तेमाल करें तो हमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही है, लेकिन उसी के साथ फाइबर और रफेज जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर जो हमारे कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 70% केसेस में जो लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ या फिर अपने डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफ या फिर जो इनडाइजेशन की तकलीफ है, ये तकलीफें जो है या गैसेस की तकलीफ जो है, ये सबसे ज़्यादा नज़र आती है उन लोगों में जो लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेड है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब इसके पीछे मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि इम्यूनिटी जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आप सोचेंगे कि मैं ये एक महीने के लिए ये गोलियां ले लूँगी और मेरी न्यूट्रिशनल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, तो नहीं, ये गलत है। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें या ऐसी हैबिट अपने बॉडी को लगानी है कि जो इम्यूनिटी है वो हर टाइम या हर या लाइफ लॉन्ग बनी रहे, और उसके लिए जो सिंपल होम कुक्ड फूड है ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल्यूशन बताऊँ नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाने के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हेल्थ टॉक्स फॉर मोर अपकमिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़।